एवरीवन, आई एम मोहम्मद शरीफ एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। आज का वीडियो स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। और इस सेकंड पार्ट का टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। यस फ्रेंड्स, लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आपने इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जिसमें मैंने हार्ड वर्ड्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो प्लीज़ उस वीडियो को विजिट करें। उसकी लिंक यहीं पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हार्ड वर्ड्स को समझने से आपको ये लेसन बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। देन कम टू दिस वीडियो एंड बिलीव मी, ये वीडियो मैंने फुल ऑफ एनिमेशन बनाया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में भी आ जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। आपको ऐसा लगेगा शायद आप कोई मूवी देख रहे हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। दोस्तों, इस लेसन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और हार्ड वर्ड्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। वैसे इस लेसन में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट जो हमारे नरेटर हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन पायलट भी हैं। सेकंड कैरेक्टर है एक लेडी है जो कंट्रोल रूम की ऑपरेटर है। थर्ड कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा एक मिस्टीरियस और एक सस्पेंस टाइप का कैरेक्टर है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेटर हमें ये बताते हैं कि एक दिन आधी रात को वो अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस के आसमान में उड़ा रहे थे और वो बहुत खुश थे। वो खुश इसीलिए थे क्योंकि वो अपने घर को जा रहे थे इंग्लैंड, जहाँ पे उन्हें अपनी फैमिली के साथ में हॉलीडे स्पेंड करना था, छुट्टियाँ मनानी थी। इस वजह से वो काफ़ी खुश थे। और साथ साथ में वो ये भी बताते हैं हमें कि जिस दिन वो ये मतलब फ्लाइट भर रहे थे या जो उड़ान भर रहे थे, तो उस वक्त रात का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। आसमान बिल्कुल क्लियर था, उन्हें चांद भी अच्छे से दिखाई दे रहा था, तारे भी टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। और ये सब कुछ देखते देखते उन्हें उनकी फैमिली के साथ में जो हॉलीडे स्पेंड करना है उसका ख्याल भी आने लगता है। लेकिन बाद में वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं कंट्रोल रूम से थोड़ा सा गाइडेंस ले लूँ। तो इसीलिए वो पेरिस के कंट्रोल रूम में फोन करते हैं कुछ गाइडेंस के लिए। अब जब ये वर्ड हमारे सामने आता है कंट्रोल रूम, तो तुरंत ही हमें बॉलीवुड की एक बहुत ही कॉमिक फिल्म जिसका नाम के धमाल है, उसका ये सीन हमारी आंखों के सामने बिल्कुल आ ही जाता है। क्योंकि वो एक ऐसा सिचुएशन था जो आपको भी पता है कि किस तरह से एक लड़का जिसे बिल्कुल भी मतलब फ्लाइंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्लेन उड़ा रहा होता है और किस तरह से कंट्रोल रूम का जो ऑपरेटर है वो उसे सही से गाइडेंस करने के बजाय बिल्कुल ही स्लोली स्लोली उसे वो सारी कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और उस पायलट का एक्सीडेंट भी होने के बिल्कुल करीब में पहुंच जाता है। तो वो उस फिल्म के बारे में था। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है वो बहुत ही एक्यूरेट है, वहाँ के जो ऑपरेटर हैं वो भी काफ़ी एक्यूरेट हैं। वो जैसे ही कॉन्टेक्ट करते हैं कंट्रोल रूम का हमारे पायलट, हमारा नरेटर, तो वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपना डकोटा DS-088 जो प्लेन आप फ्लाई कर रहे हो, उड़ा रहे हो, उसे 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ में मोड़ दें ताकि आप इंग्लैंड की तरफ इजीली जा सकें। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन हमारे नरेटर को मिलती है, वो तुरंत अपने कंपास को चेक करते हैं और उसी डायरेक्शन में जहाँ उन्हें सजेशन दिया गया था उस तरफ अपने प्लेन को मोड़ते हैं। और वो साथ में ये भी चेक करते हैं कि उनके पास में कितना फ्यूल है और वो अपना जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसके ऊपर वो मतलब स्विच ओवर करते हैं। लास्ट जो उसका उनका फ्यूल टैंक है उसे वो स्टार्ट कर देते हैं और इंग्लैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है और ये सारा कुछ सोच के उन्हें अपनी फैमिली की याद आती है। और साथ साथ में वो ये भी सोचते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले तो अपने घर पहुंच ही जाएंगे और वो एक बड़े से ब्रेकफास्ट के बारे में भी सोचने लगते हैं। पेरिस कंट्रोल रूम से नरेटर को जो सजेशन मिला था उसके अकॉर्डिंग नरेटर आगे बढ़ रहे थे और अभी वो पेरिस से 150 किलोमीटर जितना ही आगे पहुंचे थे कि उन्हें सामने से बहुत ही ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। और वो देख करके उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई स्टॉर्म क्लाउड्स नहीं है बल्कि बहुत ही बड़े बड़े ब्लैक कलर के पहाड़ हैं जो उनकी तरफ आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्यूल इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू फ्लाई ओवर और अराउंड द क्लाउड्स। अब
नरेटर हमें पहले ही बता चुके हैं कि वो अपने लास्ट फ्यूल टैंक पे फ्लाई कर रहे थे, तो उनके पास फ्यूल भी काफी कम था और उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि वो उस जो क्लाउड स्टॉर्म है वो उसकी ऊपर की तरफ से उड़ान भर करके निकल जाते या उसकी साइड में से पूरा राउंड निकल के राउंड मार करके वो बाहर निकलते। तो उनके लिए जो सेफेस्ट ऑप्शन था वो ये था कि वो पेरिस की तरफ रिटर्न चले जाएं। लेकिन आगे क्या होता है कि वो ऑलरेडी अपना मन बना चुके थे, वो इरादा कर चुके थे कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो ब्रेकफास्ट करना ही है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नरेटर ने ये इरादा कर लिया था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी करना है और हॉलीडे भी इंजॉय करना है। तो वो अपने आप से कहते हैं कि आई विल टेक द रिस्क। वो क्यों ऐसा कहते हैं और किस तरह के रिस्क की वो बात करते हैं? वो ये रिस्क लेते हैं कि वो इतने बड़े एक तूफानी स्टॉर्म के अंदर और जहाँ पे बिजलियाँ भी कड़क रही हैं और बादल भी गरज रहे हैं, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी सिचुएशन के अंदर से अपने प्लेन को वो निकालने का इरादा करते हैं। तो ये वो रिस्क यहाँ पे उठाने का डिसीजन लेते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर उन्हें बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता। जो विजिबिलिटी है जो वो बिल्कुल ही कम हो जाती है और एक अंधेरे जैसे माहौल में वो अपने प्लेन को उड़ा रहे होते हैं। यू कैन सी इन द एनिमेशन हियर किस तरह से वो अपने प्लेन को निकाल रहे हैं और इतने ज़्यादा तूफान के बीच में उनका जो प्लेन है वो जंप करने लगता है और उनके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। एंड फ्रेंड्स, इस तरह का जो तूफानी माहौल होता है उसमें यूजुअली प्लेन को डैमेज होने का या उसके एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी वो अपनी जो कोशिश है उसे जारी रखते हैं, लेकिन वो आगे ये भी देखते हैं कि किस तरह से उनका जो कंपास है या जो उनके दूसरे जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी साथ साथ में फेल होने लगे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे जब तूफान में कोई प्लेन फंसता है तो उसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो उन्हें ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं कंट्रोल रूम में दोबारा से रेडियो पे कांटेक्ट करूं और अपने लिए कोई बचने का रास्ता निकालूं। वो रेडियो पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये देख के सरप्राइज होता है कि उनका रेडियो भी अब बंद हो चुका था। अब वो अपने आप को इस तूफान के अंदर बिल्कुल ही अकेला महसूस करते हैं और वो उस तूफान के अंदर एक तरह से गुम हो जाते हैं और उनका इस तूफान से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता उनके पास में नहीं रहता। इस तरह की सिचुएशन में वो बिल्कुल ही फंस जाते हैं। वैसे तो इतने खतरनाक स्टॉर्म क्लाउड में से आसानी से बाहर निकलना नरेटर के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन वो ये देखते हैं कि कहीं से अचानक से एक दूसरा प्लेन उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है, उनके करीब से गुजरता है और फिर उस प्लेन का जो पायलट है वो अपने प्लेन को नरेटर की प्लेन की तरफ टर्न करता है। उसके बाद में वो पायलट जो है वो नरेटर को हाथ से इशारा करके ये कहता है कि भाई आप मुझे फॉलो करें। नरेटर बहुत अच्छे से जानते थे कि इतने खतरनाक स्टॉर्म क्लाउड्स में से जहाँ पे बिजलियाँ चमक रही हैं और तूफान है उसमें से वो अकेले बाहर नहीं निकल सकते और ये पायलट मेरी हेल्प करना चाहता है। तो ये सोचते हुए वो खुशी खुशी इस दूसरे पायलट के प्लेन को एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करने लगते हैं। एंड देन वो आप देख सकते हैं कि पिक्चर में इस तरह से वो उसके प्लेन को सिंपली बस फॉलो किए जा रहे थे क्योंकि उन्हें उस स्टॉर्म क्लाउड्स में से बाहर निकलना था। अब उन्होंने आधे घंटे जितना तो उस नए प्लेन को या दूसरे प्लेन को फॉलो किया, लेकिन वो फिर से घबरा गए जब उन्होंने ये देखा कि उनका जो फ्यूल टैंक है वो अब शायद 5 या 10 मिनट जितना ही उन्हें सपोर्ट कर पाएगा और उस फ्यूल के साथ में वो 5 या 10 मिनट जितना ही अपने प्लेन को उड़ा सकेंगे। अब वो ये सोच रहे थे और घबरा रहे थे, लेकिन अचानक वो ये देखते हैं कि जो दूसरा प्लेन था उसने धीरे धीरे नीचे की तरफ अब उतरना शुरू कर दिया था और जैसे ही नरेटर प्लेन से बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें नीचे की तरफ में जो रनवे की जो लाइट्स होती हैं वो जलती हुई दिखाई देती हैं और ये देख करके वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि अब वो बहुत ही सेफ हैं और वो बहुत इजीली नीचे लैंड कर जाएंगे। तो वो तुरंत उस अपने जो फ्रेंड है या जो जो दूसरा एरोप्लेन जो उड़ा रहे थे उसे हर तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी उन्हें नजर नहीं आता, जैसे कि वो प्लेन जो बस ऐसे ही कहीं गायब हो गया हो, इस तरीके की उन्हें फीलिंग आती है। अब वो प्लेन जब लैंड कर लेते हैं एयरपोर्ट पे सेफली तो वो सीधा कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ पे जाते ही वहाँ जो कंट्रोल रूम में लेडी बैठी है उसे उस दूसरे पायलट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो उसे थैंक्स कह सकें क्योंकि उसने
बहुत अच्छे से उनकी हेल्प की थी यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए। कंट्रोल रूम में मौजूद वो लेडी नरेटर के इस क्वेश्चन को सुन के बिल्कुल ही चौंक जाती है और वो स्ट्रेंजली नरेटर की तरफ देखती है और ये कहती है कि आज की रात में कोई और दूसरा प्लेन उड़ा ही नहीं रहा था, और साथ साथ वो ये भी कहती है कि मैंने अपनी रडार में इस तूफानी माहौल में सिर्फ एक ही प्लेन को यहाँ पे उड़ते हुए देखा है। चौंक गए ना फ्रेंड्स, यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो मैंने आपको इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस स्टोरी का जो थर्ड कैरेक्टर है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब ये लेडी का क्वेश्चन, इस लेडी का जो रिस्पॉन्स मिला उसे सुन के नरेटर खुद चौंक जाते हैं कि वाकई में वहाँ अगर कोई दूसरा नहीं था जो उस प्लेन को उड़ा रहा था, तो फिर वो कौन था जिसने उन्हें हेल्प के बिना किसी कंपास या रेडियो के इस तरह से सेफली इस एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए। वो ये भी सोचते हैं कि आखिर उस प्लेन में कौन था जो उस प्लेन को बिना किसी लाइट्स के उड़ा रहा था। यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा सस्पेंस और स्टोरी की मिस्ट्री है, जिसे हमें एक्चुअली अपनी तरफ से शायद डिसाइड करना होगा या हमें सोचना होगा कि रियली उस प्लेन में कोई था या सिर्फ ये ऑथर का अपना कोई वहम या उन्हें कोई एक हेलुसिनेशन का कोई एक्सपीरियंस हुआ था। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है जो एक परफेक्ट और बेटर वे में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, एंड आई होप कि आपने इस वीडियो और इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया है और इसे समझा भी है। एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद में आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजीली अटेम्प्ट कर सकोगे और बहुत ईजीली इसके आंसर्स को लिख सकोगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी, कमेंट या सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद सम मोर यूजफुल वीडियोज़। टिल देन हैव अ गुड डे। बाय बाय।